चेहरे पर 7 दिन लगा लें, ये 5 चीजें 10 दिनों में निखार देख हो जाएंगे खुश। लोग सीक्रेट जानने के लिए पड़ जाएंगे पीछे। ये लाइनें सुनकर आपको बिल्कुल एक्साइटेड फील हो रहा होगा, लेकिन जरा रुकिए और इन चीजों के बारे में सोच समझ कर अच्छी तरह से निर्णय लीजिए। कई दिन ऐसे होते हैं जब हम बहुत ज्यादा थके हुए या तनाव में होते हैं। इसका सीधा असर हमारे चेहरे पर दिखने लगता है। हमारी कुछ गलतियों की वजह से चेहरा बेजान दिखने लगता है और हम अपनी उम्र से ज्यादा बड़े या बूढ़े देख सकते हैं। लिहाजा हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। हालांकि ये होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर होता है तो ऐसे में ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने लगते हैं जो स्किन को और ज्यादा डैमेज कर सकता है या कर देते हैं। हर कोई ग्लोइंग स्किन पाना चाहता है और हमेशा चमकदार स्किन के लिए घरेलू नुस्खों को आजमाना बेहतर रहा है। ग्लोइंग स्किन के नेचुरल उपाय हर एक के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। किसी एकाध के लिए नहीं भी तो वहाँ डॉक्टरी सलाह की जरूरत हो। हमारे पास कुछ ऐसे कारगर और घरेलू उपाय हैं जिन्हें अपना कर आप आसानी से सॉफ्ट और ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। त्वचा पर प्राकृतिक चमक पाना एक कठिन काम जैसा लगता है, लेकिन कुछ प्राकृतिक चीजें ही इस काम को आसान बना सकती हैं और त्वचा पर जमी गंदगी को दूर कर नई चमक आपके चेहरे को दे। तो बिना देर करे रुख करते हैं चमकदार स्किन पाने के लिए घरेलू उपायों। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो जादूगर है, गुलाब जल। गुलाब जल आपको मिनटों में प्राकृतिक रूप से टोन और चमकदार त्वचा दे सकता है। आपको बस अपने चेहरे पर थोड़ा सा गुलाब जल स्प्रे करना है और इसे 2 से 3 मिनट तक रखना है और फिर इसे गीले और ठंडे रुई के गोले या कहेंगे जिसे फाहे से साफ करना है। इससे आपके चेहरे पर भरी जितनी भी धूल होगी वो सब छट जाएगी और आपकी स्किन ग्लो करना शुरू कर देगी और तुरंत गुलाब जल से गुलाबी चमक आपके चेहरे पर आ जाएगी। शहद और ऑलिव ऑयल। शहद स्किन को निखारने और युवा प्राकृतिक चमक देने के लिए जाना जाता है। 1 चम्मच प्राकृतिक शहद लें और उसमें ऑलिव ऑयल की कुछ बूंदें मिलाएं, इसे अपने चेहरे पर लगाएं और कुछ देर तक के लिए इसे अच्छे तरह से मसाज लें। नेचुरल ग्लो के लिए इस्तेमाल करें टमाटर। टमाटर अपने प्राकृतिक ब्लीचिंग गुणों के लिए जाने जाते हैं। वे आपकी त्वचा को तुरंत साफ कर देते हैं। बस टमाटर को 2 हिस्सों में काट लें और उसके आधे हिस्से को अपने चेहरे पर रगड़ना शुरू कर दें। इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें और प्राकृतिक चमक यानी कि नेचुरल ग्लो के लिए इसे ठंडे पानी से धो लें। तुरंत चमक के लिए नींबू और शहद का इस्तेमाल करें। जी हाँ, नींबू और शहद आपकी त्वचा को तुरंत चमक देने में मददगार हो सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और 1 बड़ा चम्मच शहद लें। पेस्ट बनाने के लिए दोनों सामग्रियों को एक साथ मिला लें और इसे 15 से 20 मिनट के लिए अपने स्किन पर लगाकर छोड़ दें। ठंडे पानी से चेहरा धोएं और देखें आपकी त्वचा में किस तरह का निखार आपको नजर आएगा। बेसन का नुस्खा। बेसन वो चीज है जो दादी, नानी, माँ, बुआ हर किसी का फेवरेट रहा है। बेसन आपकी त्वचा को साफ करने और उसे चमक देने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसके लिए आपको करना 1 बड़े चम्मच बेसन और 1 चम्मच दूध या गुलाब जल लें। नींबू के रस की कुछ बूंदे और 1 चुटकी हल्दी इसमें मिलाएं। इस पैक को 1 परत अपने चेहरे पर लगाएं और सूखने तो में साफ और खूबसूरत त्वचा पाने के लिए इसे ठंडे पानी से साफ। तो ये थे वो 5 घरेलू नुस्खे जिससे आप अपनी स्किन को टोन कर सकते हैं, उसे साफ कर सकते हैं, उस पर जमी धूल को मिटाकर एक ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी स्किन के लिए इरिटेंट साबित हो सकती हैं। तो अपनी त्वचा की सेंसिटिविटी को समझते हुए, अपनी स्किन के टाइप को समझते हुए ही घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करें। अगर आपको अपनी स्किन का टाइप नहीं पता है तो आप इसके लिए किसी डर्माटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं और अपना स्किन टाइप जानकर ये समझ सकते हैं कि कौन सा घरेलू नुस्खा आपको इस्तेमाल करना है और किस घरेलू नुस्खे से आपको हजारों गज की दूरी बनाकर रखनी है। तो इन नुस्खों को अपनाएं, अपनी जरूरत के मुताबिक और एक ग्लोइंग त्वचा पाएं। ये नुस्खे आपके लिए कैसे साबित हुए हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले स्वास्थ्य वीडियो से अपडेट रहें।